हाथ पैर और चेहरे पर आए अनचाहे बालों को हटाने का सफल उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही आसान और एक सफल उपाय लेकर आए हैं, जिसकी मदद से अगर आपके हाथों पर, पैरों पर और चेहरे पर अनचाहे बाल हैं जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, शरीर पर जरूरत से ज्यादा बाल होने पर हम इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते और साथ ही साथ दिखने में भी सुंदर नहीं लगते। लेकिन ये जो उपाय है, ये उपाय आपके अनचाहे बालों को जड़ से खत्म करेगा और उसे दोबारा आने में रोकेगा। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आप इस उपाय को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो चलिए ये देखते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। इस उपाय में सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ पर चाहिए है दोस्तों, वो है ये कोलगेट। आप दोस्तों यहाँ पर एक कोलगेट लीजिए। आप चाहे तो कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो जो है सफेद कलर का पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमने कोलगेट लिया है। आप यहाँ पर ये कोलगेट लीजिए और कोलगेट को आधे चम्मच के बराबर आप एक कटोरी में डाल लीजिए। जी हाँ, आपको दोस्तों यहाँ पर जो है आधा चम्मच कोलगेट एक कटोरी में डालना है। कोलगेट डालने के बाद अगली चीज जो हम यहाँ पर लेंगे वो है चीनी बूरा। आपको दोस्तों यहाँ पर चीनी बूरा लेना है। चीनी बूरा दोस्तों अनवांटेड हेयर को बड़ी ही जल्दी से रिमूव करता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे हमारी त्वचा जो है वहां से क्लीन होती है और साफ दिखाई देती है। आप यहाँ पर आधी कटोरी चीनी लीजिए और उसे ग्राइंड करके दरदरा पीस लीजिए और ये जो है आधा चम्मच आपको चीनी बूरा इसमें मिला देना है। चीनी बूरा मिलाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे बेसन को, यानी कि ग्राम फ्लोर। बेसन का दोस्तों इस्तेमाल लंबे समय से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में किया जाता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आपको यहाँ पर दोस्तों ये बेसन लेना है और बेसन का एक चम्मच जो है इसमें मिलाना है। आप चाहे तो डेढ़ चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं। और बेसन डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे पानी को। आपको दोस्तों इस तरह से ये पानी लेना है। आप यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लीजिए और इस पानी के 3 से 4 चम्मच आप इस बेसन में मिलाइए। और पानी डालने के बाद अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर दोस्तों हम इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक मिलाएंगे। इससे जो है ये जो पेस्ट है थोड़ा गाढ़ा अच्छे से मिक्स होगा। आप 1 से 2 मिनट तक इसे मिलाइए और उसके बाद ये जो पेस्ट है, देखिए दोस्तों हमारा तैयार हो गया है। और इसके साथ आपको यहाँ पर चाहिए ये गुलाब जल। आपको ये जो पेस्ट है इसका इस्तेमाल सही से करना आना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर आसानी से रिमूव हो गए। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस उपाय का इस्तेमाल जानने से पहले दोस्तों, आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये जो उपाय है प्यूबिक हेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप हाथ पैर और बाकी सब जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप इस पेस्ट को लीजिए और जहां पर भी आपके अनवांटेड हेयर हैं, जैसे कि यहां पर मेरे आप हाथ पर देख सकते हैं, और ये जो हेयर है दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहे हैं ग्रो होने के बाद। तो यानी कि हम जब इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका उल्टा डायरेक्शन में नीचे की तरफ इस पेस्ट को लगाना है, ताकि ये जो अनवांटेड हेयर है जड़ से बाहर आएंगे। आप इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में इस पेस्ट को लगाइए और आपको जो है दोस्तों इस पेस्ट की एक मोटी लेयर जो है अपने अनवांटेड हेयर के ऊपर लगानी है। और आप दोस्तों 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उल्टी डायरेक्शन में इस पे लगाते रहें और उसके बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही सूखने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तब दोस्तों आपको किसी भी कपड़े की मदद से उसी तरह से उल्टी डायरेक्शन में रगड़ते हुए इस पेस्ट को उतार लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है ये गुलाब जल को। गुलाब जल से दोस्तों हमारी स्किन जो है अच्छे से मॉइस्चराइज होगी। तो आपने जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया था, इस गुलाब जल को अच्छे से उसकी मालिश कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। हफ्ते में आपको दोस्तों इसका इस्तेमाल 3 बार करना है। और धीरे धीरे इस्तेमाल से दोस्तों आप देखेंगे कि उस कपड़े से पेस्ट उतरने के साथ साथ आपके बाल भी उतरते जाएंगे और आपके बाल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।